दोस्तों 2020 शुरू हो चुकी है और 2020 शुरू होने के साथ साथ बहुत सारी इंटरेस्टिंग हॉरर मूवीज भी रिलीज हो चुकी हैं, जो कि दर्शकों को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगी। यूं तो हॉरर मूवीज का हम बेसब्री से इंतजार करते हैं, लेकिन 2020 में कुछ ज्यादा ही हॉरर मूवी रिलीज हो रही है। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन सी ऐसी इंटरेस्टिंग हॉरर मूवीज हैं जिन्हें साल की स्टार्टिंग में ही रिलीज कर दी गई है, और ये सभी हॉरर मूवीज दर्शकों को बहुत ज्यादा पसंद भी आई है। तो चलिए जानते हैं कि आज के हमारे इस टॉप 10 काउंटडाउन में कौन कौन सी ऐसी इंटरेस्टिंग हॉरर मूवीज हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉप 10 काउंटडाउन। नंबर 10, 8 हॉरर और थ्रिलर के ऊपर बनी इस मूवी को रिलीज की गई थी 2020 में, और मूवी की स्टोरी शुरू होती है एक ओल्ड मैन से, जो कि हमेशा से ही गांव वालों को एक अंदेशा देता है कुछ बुरा होने का। असल में वो बुरी चीज क्या है और वो बुरी चीज गांव वालों के साथ किस तरह घटती है, ये इस मूवी में देखने लायक है। और इस मूवी को IMDb रेटिंग देती है 10 में 5। नंबर 9, कम टू डैडी नेटिव और थ्रिलर के ऊपर बनी इस मूवी को रिलीज की गई थी 2020 में, और मूवी की स्टोरी शुरू होती है एक बेटे और एक पिता से, जो कि अपने पिता के पास बहुत दिन के बाद मिलने आते हैं। लेकिन वहां पे वो जाते हैं, वो अपने पिता के अंदर बहुत सारे अजीबोगरीब बदलाव पाते हैं। असल में वो बदलाव क्या है और उनके पिता के अंदर ये बदलाव किस तरह आते हैं, ये इस मूवी में देखने लायक है। और इस मूवी को IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.1। नंबर 8, ग्रेटेल एंड हेंसन थ्रिलर और फैंटेसी के ऊपर बनी इस मूवी को रिलीज की गई थी 2020 में, और मूवी की स्टोरी शुरू होती है दो बहनों से, जो कि एक वुड हाउस में रहती है। लेकिन अचानक से ही वहां पे बहुत सारी अजीबोगरीब एक्टिविटी देखी जाती है, या फिर कह सकते हैं कुछ स्पिरिचुअल पावर्स भी वहां पे देखी जाती है। असल में ये स्पिरिचुअल पावर क्या है और उन्हें क्या बताना चाहती है, ये इस मूवी में बड़ा सस्पेंस क्रिएट करती है। और इस मूवी को IMDb रेटिंग देती है 10 में 5.4। नंबर 7, द टर्निंग ड्रामा और थ्रिलर के ऊपर बनी इस मूवी को रिलीज की गई थी 2020 में, और मूवी की स्टोरी शुरू होती है कैटी से, जो कि एक ऑर्फेनेज में काम करती है। लेकिन अचानक से ही वो अपने दोनों बच्चों के बीच बहुत सारे बदलाव देखती है। असल में ये बदलाव क्या है और उसके पीछे क्या मिस्ट्री छिपी हुई है, यही इस मूवी को बहुत ज्यादा मिस्टीरियस बनाती है। और इस मूवी को IMDb रेटिंग देती है 10 में 3.7। नंबर 6, अंडर वाटर ड्रामा और मिस्ट्री के ऊपर बनी इस मूवी को रिलीज की गई थी 2020 में, और मूवी की स्टोरी शुरू होती है क्रू से, जो कि समुद्र के नीचे लगभग 6 माइल नीचे काम कर रहे होते हैं अपने वाटर शिप में। लेकिन अचानक से ही उनके ऊपर कुछ क्रिएचर्स हमला कर देते हैं। असल में ये क्रिएचर्स क्या है और उनके ऊपर क्यों हमला करते हैं, ये इस मूवी में देखने लायक है। और इस मूवी को IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.1। नंबर 5, भूत पार्ट 1 द हंटेड शिप मिस्ट्री और थ्रिलर के ऊपर बनी इस मूवी को रिलीज की गई थी 2020 में। मूवी एक्चुअल में बॉलीवुड मूवी है, लेकिन इसे इंग्लिश लैंग्वेज में भी रिलीज की गई है। मूवी की स्टोरी की अगर हम बात करें तो स्टोरी शुरू होती है एक हॉन्टेड शिप से, जो कि बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। मूवी में कंप्लीट शिप के मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश की गई है, और मूवी की पार्ट 2 बहुत जल्दी रिलीज होने वाली है। और इस मूवी को IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.5। नंबर 4, द बॉयज पार्ट 2 मिस्ट्री और स्लैशर के ऊपर बनी इस मूवी को रिलीज की गई थी 2020 में, और मूवी की स्टोरी शुरू होती है एक यंग बॉय से, जो कि अपने फैमिली के साथ बहुत अच्छी तरह से रहता है, या फिर कह सकते हैं कि अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा होता है। लेकिन अचानक से ही उसके लाइफ में एक पपेट आता है, और वो पपेट आते ही उसकी कंप्लीट लाइफ चेंज हो जाती है। आखिरकार ये चेंजेस क्या है और उस पपेट के पीछे क्या मिस्ट्री छुपी हुई है, यही दिखाने की कोशिश की गई है इस मूवी में। और इस मूवी को IMDb रेटिंग देती है 10 में 4.3। नंबर 3, फैंटेसी आइलैंड फैंटेसी और मिस्ट्री के ऊपर बनी इस मूवी को रिलीज की गई थी 2020। मूवी की स्टोरी शुरू होती है कुछ क्रू से, या फिर कह सकते हैं कुछ दोस्तों से, जो कि एक लग्जरी स्वीट या फिर हॉलीडे मनाने जाते हैं एक आइलैंड में। लेकिन वो आइलैंड एक्चुअल में एक डेडलीस्ट आइलैंड होती है, और उस डेडलीस्ट आइलैंड में उनके साथ क्या क्या होता है, ये इस मूवी में देखने लायक है। मूवी स्लैशर और मिस्ट्री एक्टिविटी से भरी पड़ी है, और इस मूवी को IMDb रेटिंग देती है 10 में 4.7। नंबर 2, द इनविजिबल मैन साइंस फिक्शन और थ्रिलर के ऊपर बनी इस मूवी को रिलीज की गई थी 2020 में, और मूवी की स्टोरी की अगर हम बात करें तो स्टोरी शुरू होती है लेन विलेना से, जो कि अपने घर में सिंगल रहती है। लेकिन अचानक से ही उसके ऊपर एक इनविजिबल मैन हमला कर देता है। आखिरकार ये इनविजिबल मैन कौन है और उसे मारना क्यों चाहता है, यही इस मूवी में दिखाने की कोशिश की गई है। मूवी की स्टोरी हल्की फुल्की मिलती जुलती लग सकती है आपको हॉलोमैन मूवी की, जो कि रिलीज की गई थी 2000 में। और इस मूवी को IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.7। और लास्ट और नंबर 1 पर हम बात करेंगे द ग्रेज मिस्ट्री और साइकोलॉजिकल हॉरर के ऊपर बनी इस मूवी को रिलीज की गई थी 2020 में, और मूवी की स्टोरी की अगर हम बात करें तो स्टोरी शुरू होती है एक ओल्ड वुमेन से, जो कि अपने लाइफ एक सुनसान घर में स्पेंड कर रही होती है। लेकिन अचानक से ही उसके घर में बहुत सारी मिस्टीरियस चीजें होना शुरू हो जाती है। आखिरकार वो मिस्टीरियस चीजें उनके ही घर में क्यों होती है और उनसे क्यों बिलोंग करती है, ये इस मूवी में देखने लायक है। मूवी की स्टोरी जितनी ज्यादा मिस्टीरियस है उतनी ही हॉरर एक्टिविटी से भी भरी पड़ी है। और इस मूवी को IMDb रेटिंग
देती है 10 में 4.1। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का काउंटडाउन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन जरूर दबाएं, कमेंट जरूर शेयर करें। तो फिर मिलते हैं ने वीडियो के साथ काउंटडाउन के साथ। खुश रहिए, हेल्दी रहिए, गुड बाय।